सामान्यम, आरंभ होता है सामान्य नामक पदार्थ का, जो कि द्रव्य गुण कर्म के बाद चौथा पदार्थ सामान्य, प्रमेय पदार्थ का निरूपण चल रहा है, अर्थ निरूपण, प्रमेय पदार्थों में निरूपण चल रहा है, अर्थों में यह चौथा अर्थ है। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु तो सामान्य, अनुवृत्ति मैंने समान आकार का प्रतीति, अनुगत प्रतीति भी कहते हैं, उसके कारण जो उसके हेतु जो है उसी का नाम जाति है, उसी का नाम सामान्य है। अरे कहां रहती है? द्रव्यादि त्रिवृत्ति, जाति जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली वस्तु है। नित्यम एकम अनेकानुगत, वह द्रव्यादि तीन में रहने वाली जाति वह नित्य है, अनेकों में अनुगत रहता है और वह एक है। तच्च द्विविधम, वह दो प्रकार का है, परम अपरंच, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता बहुविशेषत्वात्, पर जो है सत्ता नाम से कहा जाता है, सत्व नाम से भी कहते, सत्ता सत्व से पर्यायवाची है, पर सत्ता भी कह दिया जाता है बहुविशेषत्वात्। क्यों उसको पर कह दिया? कि बहुतों में रहता है, बहुत मां द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है। सहज अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र हेतुत्वार्थ सामान्य मात्र, लेकिन वह पर सत्ता सामान्य आकार माना जाता, सामान्य का सामान्य रूप है, जाति का एक सामान्य रूप है सत्ता, क्योंकि अनुवृत्ति प्रत्येक मात्र के प्रति कारण होते से, और दूसरा ऐसा नहीं है, वह सामान्य में विशेष है। जाति दो प्रकार की होगी ना, जाति एक सामान्य जाति है और एक विशेष जाति है। सामान्य जाति हो गया सत्ता, और विशेष जाति है द्रव्यत्वादी, अपरम द्रव्यत्वादी, परम हो गया सत्ता, अपरम द्रव्यत्वादी। और ये द्रव्यत्वादी कैसा है? वो सत्ता कैसी थी? बहुविशेषत्वाद, और द्रव्यत्वादी अल्प विषयत्वाद, उसकी अपेक्षा से अल्प विषय, द्रव्यत्व केवल द्रव्य मात्र में रहेगा, गुण कर्म नहीं रहेगा, लेकिन सत्ता द्रव्य में भी है गुण कर्म में भी, अधिक विषय हो गया, यह अल्प विषय हो गया। तच्च व्यावृत्ति रपि हेतुत्वात्, और ये जो द्रव्यत्वादी है इतर व्यावर्तक भी मिल जाता है, व्यावृत्ति के प्रति भी कारण, भेद करने के प्रति, द्रव्य को गुण से अलग कैसे करें, उसके लिए द्रव्यत्व जाति ही द्रव्य को गुण से अलग करता है। व्यावृत्ति के प्रति भी हेतु होने से सामान्य सत विशेष, सामान्य होता हुआ भी इसे हमें विशेष ही मानना चाहिए, माने विशेष जाति, एक सामान्य जाति है सत्ता, विशेष जाति है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व रूपत्व रसत्व, जितने भी सारा विशेष हो, क्योंकि एक के अपेक्षा दूसरा अल्प विषयों वाले ही होते, अल्प अधिकरणों में रहने वाला होता है, और वह अपर सामान्य व्यावृत्ति माने भेद का कारण होने से सामान्य होते हुए भी विशेष कहा जाता है, अर्थात सामान्य विशेष कहते हैं, सामान्य सामान्य सत्ता, सामान्य विशेष त्रिवेत्वादी। अनुगत प्रतीति, उन्होंने कहा अनुगत प्रतीति का अर्थ क्या है? सामान्य इसका नाम क्यों पड़ा? ये सब समझने योग्य है। सामान्य का नाम इसलिए पड़ा कि समानानाम भाव इति सामान्य, समानानाम भाव, समान है पदार्थ, जब समान पदार्थों में समान अर्थों में सीधे सीधे कहो तो में रहने वाला वस्तु है, एक धर्म है, उसका नाम सामान्य, समान नाम भाव इति सामान्य, ये शय प्रत्यय होता है। तस्य भावस्तु तो सूत्र के अधिकार में है, भाव अर्थ में ही शय होता है, इसे समान नाम भाव शय प्रत्यय कर दिया, शेय का यह बचा सामान्यम, आदि वृद्धि होकर के सामान्य बनता आकार लोगों को मिल गया। सब भाव का मतलब क्या है? सूत्र में क्या किया था भाव का? प्रकृति जन बोधे प्रकार भूतो धर्म भाव, कई बार आ चुका है, भूल जाते बार बार। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, ये वहां महाभाष्य का पंक्ति है व्याकरण का, उन्होंने भाव की व्याख्या किया था पतंजलि महर्षि महाभाष्यकार ने,
कई बार बताया, हाँ भूल जाते हैं। प्रकृति जन्य, प्रकृति जैसे आप प्रकृति कौन है, समान शब्द है, समानानाम भाव ही विग्रह कर रहे हो, प्रकृति कौन हो गया समान, उससे आपने शेप प्रति किया है ना, प्रकृति हो गया समान, उसके जन्य जो ज्ञान आपके दिमाग में बैठा क्या, ये सब समान है, ये सब घट 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 सब समान पदार्थ हैं, एक आकार वाले पदार्थ हैं, ऐसे आपके दिमाग में समानता का एक ज्ञान जगा जब समान शब्द सुनता हूं। समान शब्द का सुनने पर प्रकृति या समान, जो भी प्रकृति होगा जिसे आप प्रत्यय ला रहे हो उसका नाम प्रकृति है, और समान शब्द से आपने समान आम शय समानाना भाव समान आम शय हो रहा है, इसे प्रकृति या समान शब्द, उससे जन्य जो बोध ज्ञान क्या है, एक समान आकारता का बुद्धि हुई आपके अंदर, ऐसी बुद्धि होने में जो प्रकारी भूत धर्म है, प्रकारी भूत धर्म प्रकार अभी आपने पढ़ा था और संग्रह में क्या आया था, सामान्य से भेद को विशेष हो प्रकार, ये सभी घट में जो समान आकारता में भी भेद को पैदा करने वाला जो वस्तु है उसका नाम प्रकार है, और हमेशा कोई धर्म ही होता है वो, उस धर्म को बोध कराने के लिए आपने क्या किया, शेय प्रत्यय कर दिया, कई त्वा प्रत्यय कर दिया, कई तल प्रत्यय कर दिया, द्रव्यत्व है ना, सत्ता, सत्ता में क्या है, सबसे तल प्रत्यय हुआ सत्ता, त्वा तल शेय ये तीन मुख्य प्रत्यय होते हैं, तो सामान्यम बना, हमेशा वस्तु में विद्यमान जो एक धर्म प्रकार का एकाकार प्रतीति उसका नाम अनुगत प्रतीति, उसके प्रति कारण ही का नाम सामान्य होता है, एक धर्म का अर्थात एक धर्म ही है प्रकार जिसका, एक धर्म प्रकारक, एक धर्म प्रकारक एकाकार प्रतीति, घटत्व विशिष्ट घट, एक धर्म है प्रकार जिसका, मैंने घटत रूप धर्म है प्रकार जिसका, ऐसा जो एकाकार प्रति क्या है, घट हो रहा है बार बार इत्याकार एकाकार प्रतीति हुई, इसी का नाम अनुगत प्रतीति, एतार्ष अनुगत प्रतीति का कारण कौन है, वो जो घटक जो प्रकार था पहले उस घटत्व का नाम सामान्य, इसी वह इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम इदम द्रव्यम इदम द्रव्य अयम गुण अयम गुण अयम गुण अयम गुण यम क्रिया यम क्रिया यम क्रिया, ऐसा जो होती है उसे द्रव्य के प्रति द्रव्यत्व, गुणों में गुणत्व, कर्मों में कर्मत्व, ये सारे स्तर से ग्रहण करना है। एक धर्म प्रकार का एकाकार प्रतीति का नाम अनुगत प्रतीति है, तार्स अनुगत प्रति का प्रति कारणभूत वस्तु है, उसी प्रति विद्यमान जो प्रकार है धर्म है उसी का नाम जाति है, उसी का नाम सामान्य है, जैसे अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु या अनुगत प्रतीति हेतु एक ही बात है, अनुवृत्ति प्रत्यय कहो अनुगत प्रतीति कहो एक ही चीज है, कहां कहां जाति नहीं मानी जाएगी यह व्यवस्था बहुत जरूरी है, पहले भी कई बार बता चुका था श्लोक को, यहां टीका में देखिए 496 व्यक्तिरभेद स्थुल्यत्वम संक्रोथान अवस्थिति रूपहानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह, व्यक्ति का भेद व्यक्ति का तुल्यता संकर अनवस्था रूपहानि और असंबंधो ये छह दोष जाति कहलाने में बाधक हुआ करती हैं, जैसे व्यक्तिरभेद आकाश है काल है दिक है, इनको क्या मानते हैं आप, एकम, आकाश को एकम का, काल को एका का, दिक को एका, एक होता है, जब वस्तु एक है उसके अंदर जाति नहीं हो सकती कि अनेकानुगत कहां बनेगा, नित्यम एकम अनेकानुगत होना चाहिए ना, जब चीज ही एक है अनेक है ही नहीं तो अनेक अनुगत कहां से बनेगा हमको, अतः उसमें जाति होती ही नहीं, एक हो उसमें जाति नहीं होती, जैसे ब्रह्म में ब्रह्मत्व जाति वेदांत में भी नहीं माना जा सकता है, निर्धर्मक है ब्रह्म, इसीलिए व्यक्तिरभेद उसका लक्षण दिया, देखो व्यक्तिरभेद का लक्षण, स्वाश्रय निष्ठ स्वाश्रय प्रतियोगी का भेदाभाव व्यक्तिरभेद,
स्वसरेना आकाशत्व, आकाशत्व जाति नहीं हो सकता, किंतु आकाशत्व को क्या बोलेंगे, अखंडोपाधि कहेंगे। उपाधि दो प्रकार के, अखंडोपाधि और अखंडोपाधि, और इसको देखें आप आकाशत्व को शायद अखंडोपाधि में लाएंगे। जिस उपाधि की व्याख्या हो सकती है वह अखंडोपाधि है, जिस उपाधि की व्याख्या नहीं हो सकती है, निर्वचन नहीं कर सकते आप, उसको अखंडोपाधि कहते हैं। और आकाशत्व की व्याख्या हो सकती है शब्दाश्रित्व आकाशत्व, इसलिए आकाशत्व को अखंडोपाधि के रूप में ही लेंगे। स्व मन आकाशत्व, उसके आश्रय में विद्यमान स्वाश्रय प्रतियोगी का भेदा भाव, आकाशत्व का आश्रय प्रतियोगी है जिसका, ऐसा भेद कहीं भी नहीं मिलेगा, अतएव व्यक्तिर भेद कहा जाता है। क्योंकि आकाश में आकाश का भेद नहीं रहता है, काल में काल का भेद नहीं है, दिशा में दिशा का भेद नहीं होता, कार्यकृत भेद भी नहीं है, क्योंकि उनका कार्य ही नहीं है। नहीं तो कार्यकृत भेद मान सकते थे, पृथ्वी आदि जिसे मानते हो, यानी इनका कार्य ही नहीं होता, केवल औपाधिक भेद ही करा है। औपाधिक भेद को वास्तविक नहीं मानते, अतः स्वगत भेद है ही नहीं वो, अतः भेद ना होने से अनेकता नहीं आएगी, अनेकता नहीं आने पर अनेकान को जाति भी ग्रहण नहीं हो सकता। तुल्यत्व, तुल्यत्व परस्पर विलक्षण, अनेक घटों में अयंगट 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 इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है। लेकिन वह तुल्यता क्या है, घट और कलश, एक में घटत्व है दूसरे को अपने कलश का, तो कलशत्व रहेगा। इन घटत्व और कलशत्व भी दो जाति मानी जाएगी क्या, नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शरीर के तो लाघव को देखते हुए घटत्व को जाति माना जाता है, कलशत्व को जाति नहीं मानते। लाघव भी अनेक प्रकार का होता है ना, गौरव लाघव, शरीर कृत गौरव लाघव, शरीर मने घटत्व तीन अक्षर है, कलशत्व चार अक्षर है, ये शरीर कृत गौरव हो गया, घटत गौरव हो गया कलशत्व में, लाघव हो गया घटत्व में। सर संबंध कृत गौरव लाघव भी होते हैं, स्वरूप कृत गौरव लाघव भी होता है, वो सब बाद में जैसे आएंगे प्रसंग बताते जाएंगे। स्वभिन्न जाति समन्वय तत्व तुल्यत्वम, तुल्यत्व का लक्षण बता रहे, देखिए स स्वभिन्न जाति समन्वय तत्व तुल्यत्वम। स्व शब्द से कलशत्व का ग्रहण करना चाहिए, उस कलशत्व से भिन्न है घटत्व, उसका समन्वयत्व है ये, माने जहां जहां कलशत्व रहेगा वहां वह घटत्व भी रहेगा, समन्वित धर्म है। ऐसे समन्वित धर्मों में एक ही को मानना पड़ेगा, दोनों को जाति नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में गौरव लाघव देखी जाती है, शरीरकृत लाघव को देखते हुए घटत्व को जाति माना जाता है, कलशत्व को नहीं माना जाएगा। सांकरी दोष है जैसा भूतत्व और मूर्तत्व, शरत्व इंद्रियत्व, ये सब सांकर दोष वाले होने से इनको जाति नहीं माने जाते हैं। यहां दृष्टांत है भूतत्व और मूर्तत्व को, यहां जाति नहीं मान सकते, कि मूर्तत्व कहां कहां है, पृथ्वी जल तेज वायु मन में, ठीक मूर्तत्व वहां है, और भूतत्व कहां है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में, है ना, मैंने क्या हो गया, आकाश में भूतत्व है मूर्तत्व नहीं है, मन में मूर्तत्व है भूतत्व नहीं है, इन दोनों घुस गए पृथ्वी जल तेज वायु में, मूर्तत्व भी आ गया, मूर्तत्व भी आ गया, भूतत्व भी आ गया, सब घुस गए उसी में। ऐसे जो वस्तु जो होते हैं इनको जाति नहीं माने जाते, अन्यत्र अन्यत्र अभाव होता हुआ एकत्र दोनों का समावेश हो जाना, माने आकाश में मूर्तत्व भाव, मन में भूतत्व का भाव, ऐसे दोनों का यहाँ समावेश हो गया पृथ्वी आदि में। परस्पर अत्यंत अभाव समनाधिकरण योर धर्म योर एकत्र समावेश संकर, परस्पर अत्यंत अभाव समनाधिकरण योर, आकाश में भूतत्व का भाव है, नहीं आकाश में मूर्तत्व का भाव है, भूतत्व है वहां पर, समनाधिकरण अभाव हो गया ना, भूतत्व का समनाधिकरण अभाव मूर्तत्व का भाव हो गया, ठीक। और उधर मन में भूत अभाव ऐसे हो गया, मूर्तत्व का समनाधिकरण अत्यंत हो जाएगा भूतत्व अभाव मन में, ऐसे अभाव होंगे जो सामान्य ग्रहण था एकत्र समावेश हो गया उनके प्रतियोगियों की, कौन भूतत्व मूर्तत्व का शब्द पृथ्वी आदि में, इसी का नाम सांकरी होना है। तार सांकर दोष की वजह से इनको जो है जाति नहीं माना जाएगा।
और उसके बाद आता है सांकर दोष के बाद, इसे शरीरत्व इंद्रियत्व को भी लेना ना अपने आप। अनवस्था दोष क्लिप्त सजातीय वस्तु परंपरा कल्पना अनवस्था, सिद्ध वस्तु के सजातीय वस्तुंतर की आप कल्पना कर रहे हो, वस्तु परंपरा कल्पना, वस्तु की परंपरा की कल्पना कर लिया, सजातीय वस्तु की परंपरा की कल्पना करना अनंत बिना, पहले कहें प्रमाण शून्य अनंत पदार्थ परिकल्पना अनवस्था, प्रमाण शून्य है और नए नए पदार्थ माने जा रहे हो उसी का उसी का उसी का सजाती वस्तु की माने जा रहे हो, उसी का नाम अनवस्था दोष हो जाता है। जैसे सामान्य में सामान्य मानना, जाति में जाति मानगी, द्रव्यत्व में क्या है द्रव्यत्वत्व है, द्रव्यत्वत्व में क्या है द्रव्यत्वत्व है, द्रव्यत्वत्व में क्या है द्रव्यत्वत्व है, ऐसे करोगे तो सजाती अनेक चीज मान जाओगे वो अनवस्था दोष हो जाता है। इसे जाति में जाति नहीं मानी जाती है। इस अनवस्था दोष के कारण सामान्यत्व धर्म को जाति रूप नहीं कहा जा सकता है। अगर रूपहानि, रूपहानि विशेष कि जाति का काम क्या है और विशेष का काम क्या है, सोचिए विशेषण पदार्थ माना ना वैशेषिकों ने, विशेषण पदार्थ किस लिए माना जाता है, नित्यों को दूर रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए, परमाणु को एक दूसरे से अलग करने वाला, आत्मा और आकाश, आत्मा और काल, दिग्ग और काल, दिग्ग और आकाश, इनके नित्य पदार्थों को परस्पर व्यावर्तन करना के लिए विशेषण पदार्थ माना गया। और जाति में करता क्या है, एक दूसरे का व्यावर्तन ही करता है, दोनों का काम एक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए विशेषण पदार्थ में फिर जाति मानोगे, विशेषत्व जान मानोगे, उसका स्वरूप ही हानि हो गया कि विशेष खुद ही व्यावर्तक है, और फिर विशेषत्व मानना उसके अपने स्वरूप का नाश करना हो जाएगा। सामान्य रहितत्व सति, सामान्य भिन्नत्व सति, संवेदात्मकस्य विशेषगत रूपस्य हानि इति रूपहानि। सामान्य से रहित है और सामान्य से भिन्न, विशेष कैसा है सामान्य रहित वस्तु है और सामान्य से भिन्न है, संवेदात्मकस्य और समय समय से कहीं ना कहीं रहता भी नित्य द्रव्य में रहता है, ऐसे जो विशेषगत रूपस्य विशेषगत जो स्वरूप था उस स्वरूप का ही हानि हो जाने का नाम रूप हानि है। इसलिए विशेष में विशेषत्व को कोई जाति नहीं माना जाएगा। सुतो व्यावर्तक हो विशेषाह, ये विशेष कैसे हैं वो स्वयं ही व्यावर्तक होते हैं, जो सुतो व्यावर्तक है उसे फिर व्यावर्तन करने के लिए कोई और चीज मानने की जरूरत नहीं होती है। अब अंत में आता है असंबंध, समवाय संबंध भी किस संबंध से रहता है ये कल्पना नहीं होती है ना, द्रव्य और गुण का पीछे समवाय है, एक समवायु पदार्थ माने दो पदार्थों को परस्पर जोड़ने के लिए एक संबंध आपने कल्पना करा, द्रव्य एक पदार्थ था और गुण एक पदार्थ था, दोनों पदार्थों के बीच में एक संबंध आपने माना समवाय संबंध। हम कहते हैं वो भी पृथक पदार्थ है तुम्हारे मत में, जो वो भी अलग पदार्थ है वो किस संबंध से बैठेगा, किस संबंध से बैठेगा द्रव्य में, किस संबंध से बैठेगा गुण में, समवाय खुद जो है गुण में किस संबंध से है और द्रव्य में किस संबंध से है, उसके लिए अलग दो संबंध कल्पना करोगे, वो भी संबंध भिन्न है कि अभिन्न है, यदि स्वतंत्र पदार्थ है फिर हम उसे भी पूछेंगे फिर वो किस संबंध से बैठेगा, एक और संबंध कल्पना करोगे, है कि नहीं। संबंध की कल्पना में अनवस्था दोष को भय से क्या होता है, असंबंध मानना पड़ता है, ये असंबंध ही संबंध में जाति को मानने में रोक देता है, समवाय में समवायत्व जाति नहीं होती, समवाय में रहने वाला जो समवायत्व धर्म है तथा अभाव में रहने वाला जो अभावत्व है वो भी धर्म है, जाति नहीं हो सकता, उसके जाति रूप होने में असंबंध ही सबसे बड़ा बाधक है। असंबंध का लक्षण क्या है, प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर संबंधे न समवाय अभाव असंबंध, प्रतियोगिता संबंध और अनियोगिता संबंध से समवाय का जो अभाव है उसी को असंबंध कहते हैं, अर्थात प्रतियोगिता संबंध से अलग अनुविता संबंध से अलग कोई समवाय नाम का चीज ही नहीं है। पृथ्वी आदि द्रव्यों अधिक द्रव्यों में गुण तथा कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, उस गुण कर्म के समवाय का प्रतियोगी गुण कर्म ही होंगे और पृथ्वी आदि द्रव्य उसके समवाय संबंध के अनुयोगी होते हैं, इस कारण गुण कर्म का समवाय प्रतियोगिता संबंध से गुण कर्म में रहेगा और अनुविता संबंध से उन पृथ्वी और द्रव्य में रहेगा। इसे द्रव्य गुण कर्म इन तीनों पदार्थों में जाति का रूप सामान्य जो है
समवाय संबंध से रहता है। इसी प्रकार से जातियों को भी समझो, जैसे गुण कर्म द्रव्य में, इस द्रव्य गुण कर्म में जाति भी समवाय संबंध से रहेगा, वहां भी किस संबंध से है, समवाय भी कैसे रहेगा, प्रतियोगिता अनुगता संबंध से रहेगा। सब जगह समवाय प्रतियोगिता और अनुगता से अलग कुछ भी नहीं है। प्रतियोगिता संबंध अनुविधा संबंध रूपा संबंध से अलग समवाय नाम की चीज वास्तव स्वतंत्र वस्तु ही नहीं होता, अतः वो अनेक नहीं एक ही है। जब एक है समवाय, फिर तो प्रतियोगी भेद से अनुयोगी भेद से समवाय को अनेक माना जा सकता है, लेकिन समवाय अपने आप में अनेक नहीं है, एक ही है। अतः जो एक होता है उसमें जाति नहीं होती है। अनेक मानने लगोगे फिर वो किस संबंध से मानोगे, असंबंधता रूपी दोष आ जाएगा, अतएव यहां पर जाति को नहीं माना जाता है समवाय में, ये व्यवस्था हमने दिया। अर्थात समवाय में जाति मानने में अनवस्था का कहने का तात्पर्य हुआ, और विशेष में जाति मानने से रूपहानि हो जाएगी, और समवाय में जाति मानने में असंबंध हो जाता है। क्योंकि आपको पूछा जाएगा ना, समवाय में जाति मान लिया आपने, समवायत्व माना, ठीक है, समवाय में समवायत्व की जाति मानोगे तो हम पूछेंगे समवायत्व जाति समवाय संबंधों में किस संबंध से रहेगा। भाई आपने अन्यत्र क्या बोला, जाति द्रव्य में, जाति गुण में, जाति कर्म में, जैसे द्रव्यत्व जाति द्रव्य में, गुणत्व जाति गुण में, कर्मत्व जाति कर्म में, इसमें मैं सामान्यत्व जाति समवायत्व जाति समवाय में किस समय से रहेगा, समवाय समय से रहेगा क्या, यदि आपसे पूछा, जैसे आपने कहा ठीक है द्रव्य तुजाति द्रव्य समय समय से रहता है, गुणत्व जाति गुण में समय समय से रहता है, कर्म तुजाति कर्म समय समय से रहेगा, यदि समवायत्व को भी जाति कहोगे, हम आपसे पूछेंगे समवायत्व जाति समवाय संबंध रूपा अपना अधिकरण में किस संबंध से रहेगा, एक और समय संबंध मानना पड़ेगा, वो अधिकरण तो समय समय से भिन्न है कि अभिन्न है, अभिन्न मानो तो अनावस्था आ जाएगी, अभिन्न मानो तो अधिकरण से अलग है ही नहीं, फिर संबंध क्या है वो, फिर तो असंबंधी मानना पड़ेगा। इसलिए इनका समवाय तो जाति ही नहीं मानना, उपाधि मानना, संगति लग जाएगी। उपाधि की व्याख्या कर लो, नित्य संबंधत्व समवाय तो व्याख्या हो गई, इसे सखंड उपाधि हो गया। अधिकतर उपाधि सखंड उपाधि होती है, अखंड उपाधि ढूंढना बड़ा कम होता, मुश्किल से मिलता है अखंड उपाधि, कि सब उपायों की व्याख्या हो जाएगी। निर्वचन करोगे, शरत्व जाति नहीं मान सकते, भूतत्व जाति नहीं मान सकते, ये सब क्या है, आप किसे व्याख्या करते हैं, मूर्तत्व क्या है, क्रियावत्व मूर्तत्व, बहिरिंद्र प्रत्यक्षत्व भूतत्व, सभी व्याख्या कर दिया, शरीर का अंत्यावयत्व शरत्व, इंद्र का रक्षण कर देते हो, जो लक्षण है वही उसके निर्वचन हो गए, व्याख्या हो गई, तो सब अखंडोपाधि नहीं रह सकते, सब सखंडोपाधि हो जाते हैं। जिसका निर्वचन ही नहीं कर सकते आप, जैसे ब्रह्म में ब्रह्मत्व निर्वचन नहीं कर सकते आप, इसमें अखंडोपाधि हो जाएगा, अनिर्वचनीय उपाधियों को अखंडोपाधि कहते हैं। न्याय में बताएंगे अखंडोपाधि कौन कौन होता है, बताएंगे, ये नहीं चाह रहा, देखिए एक और विशेष बात समझने की योग्य है, सामान्य विशेष और समवाय इनमें सत्ता जाति नहीं रहती है, आपने कहा ना द्रव्य गुण करती नहीं में सत्ता रहती है, इनमें सत्ता नहीं रहती है, जब सत्ता नहीं रहती है आप कैसे बोलते हो सामान्य अस्थि, अस्थि कहां से बोला आपने, विशेषण पदार्थ अस्थि समवाय संबंधो अस्थि, अस्थि कैसे जुट रहा है वहां जब सत्ता है नहीं, घटो अस्थि ठीक है वहां सत्ता है, अस्थि बोलना ठीक बनता है, गुणो रूपम अस्थि वहां ठीक है, कर्म अस्थि गमनम अस्थि व्यवहार हो सकता है सत्ता है, इनमें अस्थि कहां से जुड़ रहे हो, जो सत्ता नाम का जाति इनमें हो नहीं सकता, कोई जाति इसमें है नहीं तो सत्ता भी नहीं इनमें, फिर अस्थि कैसे व्यवहार हो जाता है, तब कहना स्वरूप से ही वे सत है, स्वरूप से ही ये सब सत, सत्तावान माने जाएंगे, सद्रूप माने जाते हैं, इसे उनके अलग कोई सत्ता से अस्तित्व को लाने की अपेक्षा नहीं है, सत्ता से अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अपेक्षा नहीं है इनमें, वह स्वतः ही सद्रूप है, कौन से
सामान्य विशेष और समवाय, ये तीन चीज ऐसा नहीं है, कोई अपनी व्यवस्था है। इसी को लेकर सब वेदांत खंडन, यही सब कमजोरियां हैं, ये जानबूझ के बोल रहा हूं, इन कमजोरियों को पकड़ो तो वेदांत में इसके जब खंडन करो तो समझ में आएगी। ये टिकने टिकाऊ बातें तर्क नहीं है सब। आकाशत्व धर्म को उपाधि कहा है, कालत्व दिक्त भूतत्व शरत्व इंद्रियत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व सबको आपने उपाधि कहा, जाति रूप नहीं हो सकता है कहा। ये जो उपाधियां हैं दो प्रकार की हैं, जो जाति से भिन्न है उसका नाम उपाधि है। यहाँ तात्पर्य वो नहीं लेना जो पहले उपाधि का लक्षण किया था ना, उप समीपवर्तनी पदार्थ आदि स्वगुणायित उपाधि, वो अलग बात थी, वो उपाधि का लक्षण यहाँ नहीं है। और अनुमान में एक उपाधि आया था साध्य व्यापक साधना व्यापकत्वम, वो भी उपाधि का लक्षण यहाँ नहीं लेना है। दो उपाधि पहले पढ़ चुके हैं ना, ये तो प्राणापान संज्ञा लभते एकोपि उपाधि वेदात प्राणापान संज्ञा लभते, उपाधि अर्थ भी किया था स्थान रूप उपाधि और क्रिया रूप उपाधि, वहां उपाधि का लक्षण अलग। और व्याप्यत्व सिद्ध में जो उपाधि स्वाभाविक व्याप्ति हेतु व्याप्यत्व सिद्ध उपाधि साध्य साधना व्यापकत्व उपाधि किया था, वो एक अलग लक्षण थी। यहाँ उपाधि का तात्पर्य इतना ही है, जाति भिन्नत्वम उपाधि। और सगंड उपाधि और अखंडोपाधि नाम से दो प्रकार की उपाधियां होती है। बहु पदार्थ घटितो धर्म निर्वचनीयो धर्म सकंडोपाधि, बहु पदार्थ घटित हो अनेक पदों के द्वारा बोला जाए व्याख्या किया जाए, बहु पदार्थ घटित निर्वचनीयो धर्म सकंडोपाधि, बहु पदार्थ घटितो निर्वचनीयो धर्म सकंडोपाधि। जैसे आपने आकाशत्व की व्याख्या किया, आकाशत्व क्या है, शब्द समवाय कारणत्वम, शब्द समवाय कारण हिंदी शब्द अनेक पदार्थों के द्वारा बोध्य हो गया आकाशत्व, बहु पदार्थ घटित निर्वचनीय धर्म हो गया आकाशत्व। इसी प्रकार से शरीरत्व कहेंगे अंत्यावृत विशिष्ट चेष्टाश्रित्व शरीरत्वम, ऐसा अनेक पदार्थों के द्वारा बोध कर रहा रहे हो आप शरीरत्व को, इसलिए सब सकंडोपाधि कहे जाते हैं। जैसे शिष्टत्व इंद्रियत्व विषयत्व जितने भी है ये सब व्याख्या ही होने के नाते सकंडोपाधि है, और अनिर्वचनीय धर्म वो अखंडोपाधि, जिस धर्म का किसी प्रकार से निर्वचन नहीं हो सकता उस धर्म को अखंडोपाधि कहते हैं। जैसे प्रतियोगित्व नायकों में अनुयोगित्व की क्या व्याख्या करेंगे आप, जैसे द्रव्य को हमने अनुयोगी नाम रख दिया है ना, और उसमें रहने वाले गुण को प्रतियोगी कह दिया कि योग है, योगी योग वाले, योग मने संबंध, योग मने यहां संबंध, संबंध वाले का नाम योगी, योगो अस्य अस्ति संबंधो अस्य अस्ति, दो संबंधियों को हम कहेंगे योगी। इसलिए द्रव्य भी योगी है और गुण भी योगी है, उन दोनों योगियों में फर्क करने क्या कहा, जिसमें रहता है आधार को अनु नाम रख दिया अनुयोगी, और जो रहने वाला है उसका नाम प्रति, क्यों आश्रय की अपेक्षा कर रहा है प्रति, अपेक्षा करने से उसका नाम प्रति योगी नाम रख दिया। लेकिन जो द्रव्य में अनुयोगित्व है गुण में प्रतियोगित्व है, इसे द्रव्य में अनुयोगित्व है कर्म में प्रतियोगित्व है, स्वयं गुण भी अनुयोगी हो जाता है गुणत्व दृष्टिया, गुणत्व विचार कर तो क्या होगा, गुणत्व प्रतियोगी हो गया और गुण अनुयोगी हो गया जो आधार होने से, इसे अनुयोगित्व और प्रतियोगित्व कोई ठिकाना नहीं है, है ना, एक स्वरूप निश्चय नहीं उसका, एक आकार विशेष निर्णय नहीं उनका, अतः उसके एक तरह से निर्वचन भी नहीं हो सकता। एक अनुगत आकार हो तो हम उसके निर्वचन भी कर सकें, अनुगत आकार ना होने से निर्वचन नहीं होगा, अतः अनुयोगित्व प्रतियोगित्व विषयत्व ये सब क्या चीज है, इन चीजों को हम क्या मानते हैं, अखंडोपाधि मानते नहीं आएगी। येन इंद्रियेण यद गृह्यते तेन इंद्रियेण तन्निष्ठा जातिर गृह्यते, और ये जो है अखंडोपाधि इसलिए इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनुमान कर लेते ये इसमें रह रहा इसलिए नाम रख दिया अपने, अनियोगित्व आपने मान लिया, उसको संज्ञा दे दिया प्रतियोगी संज्ञा दे दिया, इन इंद्रियों के द्वारा अनियोगिता या प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष नहीं होता।